1.1 है मर्तबा निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। कैसे निकाला जाता है, जैसे देखें पहला सवाल है 2, 3, -5 और पहले हमने कितारें लिखनी होती हैं, कितारें या रोज, वो कितनी है 2, 1 और 2। उसके बाद कॉलम, कॉलम कितने हैं 2 हैं, कॉलम्स 2। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, यानी इनके दरमियान में बाय लगा के इनको बस लिख देना है, ठीक है, समझ आ गई। ये वाला देखें C=2, 2, 4। ऑर्डर लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे, रोज, रोज कितनी है 1, कॉलम ऐसे होते हैं 1 और 2। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर या मर्तबा आप लिखेंगे 1/2, ठीक हो गया। दूसरा सवाल, अब कहते हैं इनमें से कौन से आपस में बराबर है, ऐसे जिनका ऑर्डर सेम होगा ना वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इनका ऑर्डर आपस में सेम आएगा, ये बराबर होंगे, ठीक है। नीचे वाला, थर्ड वाला सवाल, तीसरा सवाल है a+c, c-1, a+2b, 4d-6=0-7, 3, 2d, ठीक है। जो पहली रकम है यानी a प्लस सी, उसको उधर जो पहली है उसके बराबर रख देना, ठीक है, और इसको कह देना 1। जो दूसरी है वो है a प्लस 2b, इसको दूसरी यानी -7 के इक्वल रख देना। जो तीसरी है वो है c-1, उसको उधर तीसरी है 3 उसके इक्वल रख देना। उसके बाद इधर चौथी है 4d-6 और उधर चौथी है 2d, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 कह देंगे, इस इक्वेशन को 3 कह देंगे और इसको 4। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2d जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2d, क्योंकि जब कोई रकम प्लस हो तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाती है। -6 है, जब उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब ये भी d, ये भी d, बे सेम हो तो माइनस कर सकते हैं। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2d = 6। अब कुछ भी हो, जब भी ऐसे रकम आ जाएगी ना इसके साथ, वो आपने हमेशा उधर जाके डिवाइड कर दिया करनी है नीचे, 2, 3, 6, ठीक हो गया। अब ये -1 है, जब उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 = 4। अब यहाँ से वैल्यू हम इस इक्वेशन में दर्ज करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे आप पुट इन इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 या हाली पुट इन इक्वेशन 1, यानी जहां सी है वहां हम क्या रखेंगे अब 4। अब इस इक्वेशन में सी की जगह हमने क्या रख देना है 4। अब ये +4 है, जब उस तरफ जाएगा तो -0 खुद ब खुद खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरी मसावात में कीमत दर्ज करने से ए की, जहाँ पे ए है वहाँ हम क्या रखेंगे -4, 2b = -7। -4 है, जो रकम ऐसे लामत से लैदा हो ना पहले उसको हल करना होता है, इसकी लामत माइनस है, जब ये दूसरी तरफ जाएगी ना जो बराबर के उस तरफ रकम हो उसको आपने कोशिश करनी है पहले हमेशा लिखें, और जो इधर से आई है वो बाद में हो। अब दरमियान में जमा है तो हम जमा करेंगे ना, जमा नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे दोनों के साइन क्या हैं, तो दोनों के साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट होता तो फ्रीक होता है, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, अलामत कौन सी रखती है बड़ी रकम की लगाई जाती है, तो जो माइनस, अब जो इधर मैंने अभी बताया था जब भी कोई रकम आएगी वो इधर आके डिवाइड हो जाया करेगी, ठीक है। ये 4 स्टेप थे,
पहले हमने इसको हल किया, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। 1.1 कंप्लीट।